नमस्कार, खबर बाईसी पेज में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बाईसी प्रखंड अंतर्गत ये खुटिया पंचायत है, जहाँ पे आपको हम पीछे दिखाई दे रहा है कि देखिए किस तरह से जो है एक बिजली विभाग की जो एक माना जाए कि ये लापरवाही है। अगर उसकी लापरवाही नहीं होती तो ये 11,000 का जो पोल दिख रहा है, आप देखिए, आपको कैमरामैन को कहेंगे कि आप इस पोल को जूम करके हो, जैसे भी हो, दिखाइए कि कितनी लापरवाही है बिजली विभाग की। जो यहाँ पर 11,000 की सप्लाई है और रोड क्रॉस करते हुए लेकर गया है, जहाँ पर जो है आप पोल की स्थिति देख सकते हैं कि एक 11,000 बिजली क्रॉस करने के लिए किस तरह से पोल का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ उनकी लापरवाही को दिखाते हुए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये आधा जो है अपना कमर तोड़ चुका है। कमर तोड़ने के बावजूद भी ये इतनी लापरवाही है, इस तरह से ये रोड के किनारे ये खड़ा है और इस पर से जो 11,000 की जो सप्लाई हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की जो ये लापरवाही है और उनका देन है कि आज ये पोल यहाँ पर खड़ा नजर आ रहा है। आपको देख सकते हैं कि बिहार की ऐसे ही चारों तरफ बदनामी है और लोग बिहार के इलेक्ट्रिक और विद्युत को लेकर कितने उत्साह है और लोग कितने सोचने पर मजबूर रहता है कि बिहार है भाई बिहार, लेकिन बिहार में ऐसा भी आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए जो पोल आपको अगर कहीं पे ये फेंक दिया जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए, तो लोग इनको घर पर ले जाने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। इसको किसी कार्य का चीज नहीं है, किसी काम का नहीं है, बेकार पड़ने का चीज है। उसको जो है बिजली विभाग आज इस काम में लगा हुआ लगाए हैं। देखिए आप किस तरह से ये है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये पोल जो यहाँ पर लगाया गया है 11,000 की सप्लाई है और ये किस हद तक जो है ये पूरा जो है अपने स्टैंड में अपने पैर पे खड़ा नहीं है, ये दूसरे के पैर पर खड़ा है। और इन्हीं पर से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि दिखाइए, कैमरामैन आप ऊपर दिखाइए और थोड़ा सा साइड में भी दिखाइए कि 11,000 का क्रॉस है, लेकिन क्या ये पोल लगाना उचित है? आप लोग अगर खबर के माध्यम से देख रहे हैं तो देखिए कि क्या बिहार में ये भ्रष्टाचार को ये दावत नहीं देती है? क्या इससे भ्रष्टाचार नहीं झलक रहा है कि एक क्या इसको जब लगाया गया था क्या यहाँ पे इंजीनियर मौजूद नहीं था? क्या इंजीनियर इस चीज को नहीं दिखा है कि क्या 11,000 में इस तरह का पोल क्या ये इस कार्य के लिए उचित है? अगर है तो फिर क्यों इस पोल का उपयोग किया गया यहाँ पे 11,000 का लाइन? आप कम समझिए कि एक साधारण सी लाइट जब LT या फिर 444 का लाइट जब गुजरती है तो वहाँ एक अच्छे नए पोल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 11,000 का लाइट आप हम देख सकते हैं, कैमरामैन को कहेंगे एक साइड से दिखाइए कि यहाँ पे जो है इस पोल का प्रयोग किया है। और ये पोल अगर किसी चाहे वो आंधी हो, तूफान हो या किसी भी स्थिति में गिर जाती है और 11,000 लाइट जो है वो रोड पर गिर जाती है तो एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती है। क्या प्रशासन की इसकी नज़र नहीं लगती है? क्या यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि इन पर नज़र नहीं देते हैं? या फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की नज़र नहीं पड़ती है? या फिर जो इंजीनियर इसको लगाया है क्या उसकी नज़र नहीं पड़ती है कि 11,000 में इस टूटे हुए पोल को लगा दिया है? क्या पोल की कमी है या फिर किस कारण से इस पोल को यहाँ लगाया गया है, ये एक जांच की विषय है। लेकिन आपको हम बताते चले कि ये बिहार है और बिहार में हर चीज संभव है, क्योंकि बिहार में भी जो चीज नहीं होनी चाहिए उस चीज को होते हुए देख रहे हैं कि जो पोल का यूज हम घर पे किसी बरंडे में ऐसे चलने के लिए नहीं कर सकते हैं, कहीं पे गिरा हो तो उसको कोई किसी चीज को उठाने के लिए नहीं करते हैं या फिर कोई उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की जो कर्मचारी है या फिर जो भी इंजीनियर इसको यहाँ लगाया है उस चीज को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये पोल का उपयोग किया गया है और ये पोल कितनी लाइफ कितनी समय तक ये टिकी रह सकती है, क्योंकि एक अगर बगैर पैर वाले इंसान अपने कभी अपने पैर से नहीं चल सकते, उसको किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है और उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार में भी जो है टूटे हुए पोल कार्य के लिए लगे रहते हैं और उसको कार्य में लगाया गया। अगर ये पोल किसी दूसरी जगह होती तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंजीनियर बड़ी दिमाग के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का जो है जो भी अधिकारी उसको लगाया है वो बहुत ही दिमाग के साथ लगाया है। आप यहाँ पे जो है लोग जो गुजर रहे हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस पोल का अगर
पेट गिरा होगा और उसको लगा दिया है, लेकिन क्या ये ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगी? क्या 11,000 की जो है सप्लाई है इस पोल के माध्यम से रह पाएगी? आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कहाँ घर हुआ आपका? घर तो हुआ हरिरामपुर हमारा। अच्छा, ये आपके पीछे जो एक पोल दिख रहा है, अब देखिए नजर आ रही है? नजर आ रहा है। ये देखिए 11,000 की सप्लाई है इस पोल में, और ये अपने जहाँ तक लग रहा है, देखने को मिल रहा है कि ये अपने कमर से टूट चुकी है। क्या जो इसको जो भी आदमी लगाए हैं, जो भी विभाग लगाए हैं, क्या उचित है? क्या अपनी जगह पे टिक पाएगी? नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत है। ये बिजली विभाग और हमारा जो बिहार सरकार है, ये सब के ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये बराबर है, बहुत जगह है, खाली यही नहीं है, बहुत सारा जगह में है जो ऐसे पोल गिरा हुआ रहता है, कहीं झुका हुआ रहता है, और उसके वजह से जो है लाइट में कितना आदमी का नुकसान होता है। कभी कोई किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी को पकड़ लेता है। सामने अभी एक गांव में और भी हुआ था, उसको करंट लग गया, लेकिन वो जो है ना हालत उसका बहुत ख़राब था। हॉस्पिटल में, कोहिनूर हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था, ऐसे ही मामला था। उसका भी एक तार नीचे गिरा था कट के। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। बिजली विभाग वाला जो है उसका बिल लेता है, सबके घर घर में मीटर बैठा है, तो उसको तो जाहिर सी बात है कि ये सब में ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि 11,000 की सप्लाई है भाई, यहाँ के स्थानीय लोग क्या इन पर नज़र नहीं पड़ती है? देखिए आप खुद देख रहे हैं इसके पीछे कि एक अपने कमर टूटा हुआ है और उस पोल को लगा दिया है। क्या इसके गिरने से यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं होगा? बहुत नुकसान होगा। आने जाने में पता चले कि नाइट में अगर गिर जाए तो यहाँ पर तो लाइट वाइट का कोई व्यवस्था नहीं है पोल के ऊपर जो दिखेगा, उसके वजह से जो है ये रोड चलता है यार, आने जाने में दिक्कत होगा और पकड़ेगा किसी को भी। कितने लोग गुजरते हैं इस रोड? बहुत सारे आदमी गुजरते हैं इधर, जो खोखसा हुआ। कौन सा पता है ये? हाँ, ये खोखसा, ये हो गया खोखसा, शाहपुर खोखसा। आपका नाम क्या है? MD परवेज। पीछे जो एक बिजली पोल दिख रहा है, किस स्थिति में है वो? खत्म है ये तो, कब गिरेगा कोई आता पता नहीं है। 11,000 वोल्ट है जी, ये भी देखना है। 11,000 वोल्ट गिरने के बाद आसपास के प्रभावित करेगा, मवेशी बाल बच्चे सब घूमते हैं लड़के। ऐसा नमूना तो बिहार में ही दिखा जाता है। हाँ, ज्यादा पत्ता हिलता है तो लाइन कट जाता है कि कहीं तार न गिर जाए। क्या ये इंजीनियर अपना दिमाग लगाया होगा? बढ़िया नहीं देख रहे, कितना मस्त दिमाग है इसका। अब ऐसा तो पोल भाई पहले बार यहाँ देखने मिल रहा है। सही है इंजीनियर के हिसाब तो सही होगा। इंजीनियर के हिसाब से तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम उपेंद्र दुबे है।